पाउजिल्ल अब आप आज से जो है ये हम हर जुमे को आपके लिए ना कुरान मजीद या फिर हदीस शरीफ़ या फिर कोई दुआ वो अरबी में होगी और हम उसका लफजी तर्जुमा जो है वो करेंगे इन ताला लेकिन उसकी बुनियाद में जो है वो ज़रा डाल रहा हूँ तो बुनियाद में ही हमारा बहुत टाइम लग जाना है ये कुल हमारे पास ना कोई पैंतालीस से पचास लेक्चर हैं जिसके कुरान मजीद का लफ्जी तर्जुमा या अरबी जो फसहा है उसके रीडिंग का और उसका तर्जुमा करने का आपको तरीक़ा आ जाएगा इन तो देखें वैसे तो अगर कुरान मजीद का अगर तर्जुमा करना शुरू करते हैं आप लोग तो साल लग जाते हैं लेकिन इनशाला तला यहाँ पर इनशाला ऐसा नहीं चलेगा यहाँ इनशाला बहुत जल्दी आपकी जो है ना ग्रोथ होगी इस हवाले से अरबिक के हवाले से तो ये किताब है हमारे पास ये जो किताब है ना ये आ, इनके मुशनफ़ का नाम जो है वो है आ, मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर ये मशहूर है मेरे ख्याल में और ये खास तबके के हैं कोई आलम है लेकिन इन्होंने क्या किया है ये बड़ा अच्छा लिख दिया है कोर्स बना दिया है हमारे लिए और बड़ा शानदार कोर्स है ये जो कोर्स है ना ये कॉपी है Uh, असल कोर्स की जो जिसका नाम है अंडरस्टैंड कुरान के नाम से अंडरस्टैंड कुरान के नाम से ठीक है जी और वो भी जो है वो जदीद जो अब चल पड़ा है कि कुरान मजीद का तर्जमा फार्मूलो की मदद से करते हैं और साइंसी अंदाज में करते हैं इरफानक्रन कोर्स भी इसी का एक हिस्सा है इरफानक्रन कॉर्स भी पहले हुआ था उसके बाद फिर अंडरस्टैंड कुरआन और उसके बाद फिर ये जो है हमारे पास आ गया है अः ये कुरान अरबी सीखे या फिर बहुत सारे कोर्सेज आ गए मेरे पास बहुत सारे कोर्स पड़े हैं तो उनका खुलासा बना के ना आपके लिए आसान करके जो है ना इन शी मैं आपको आपको दूंगा इनशाला आपको फ़ायदा होगा हमेशा जब भी क्लास में आया करेंगे खासकर जो नए लोग हैं बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल भी जिनको बिल्कुल नहीं पता कुरान मजी का तर्जुमे का ठीक है आप खुद को बिल्कुल ही ऐसा समझें कि आपने नहीं पढ़ा हुआ तब आप सीखते हैं जब भी आप किसी क्लास में जाया करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है आपके लिए बेहतर रहता है अच्छे सामे बने सामे सुनने वाले बल्कि बोलने वाले अच्छे न बने बल्कि आप सामे अच्छे बने और सुनना शुरू करें सुनना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए भी मुश्किल है लेकिन मैं आपको नसीहत तो कर सकता हूँ कौन आया अर रहमान शाह साहब आए अल्ला अच्छा जी ये पहला लेक्चर है और इसमें जो है आ, कुछ चीज़ें आपके लिए दोहराई जो है होगी लाजी बात है लेकिन इनशाला कुछ ना कुछ आगे जाके ना फिर आपको चेंजिंग इसमें आएगी और कुछ ना कुछ आप सीखते जाएंगे इनशा हमारा हदफ़ क्या है मुसलमान की ज़िंदगी का अहबाब जब भी कोई आपसे पूछे ना कि मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या है तो आपने कहना है अल्लाह की रजा बस अल्लाह की रजा यानी जो इबादत हम कर रहे हैं ना जो हम वाले देन की खिदमत करते हैं बच्चों की परवरिश करते हैं या हम अपनी लज्जतें छोड़ देते हैं नींद तर्क कर देते हैं बहुत सारे मज़ों से खुद को रोकते हैं किसी के साथ नकी करते हैं अच्छाई करते हैं बहुत सारा दाश करते हैं वो सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं हम लोग हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय अल्लाह की रजा के लिए तो मुसलमान की जिंदगी का ताल। क्या है मकसद क्या है अल्लाह की रजा तलब करना बस चाहे वो किसी भी काम में है तो हमारा ये कोर्स करने का क्या है मकसद क्या है अल्लाह ताला की रजा और लिखा लिखा का मतलब है अल्लाह की मुलाकात जो सबसे अजीम नेमत है इस आ, हमारे कायनात में और वो जो कायनात बाद में आनी है उसमें भी कुरान पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना अल्लाह ताली के आखिरी पैगाम को बरह रास्त समझना कुरान मजीद का अस्सी फीसद या नबे फीसद तर्जमा खुद करने की सलाहियत पैदा करना खुद करना इम सर्फ़ की मदद से लफ्ज़ बलफ्स कुरान समझना यह सर्फ क्या है देखो अब याद रखो हमारे पास ना कुछ उलूम है अरबी में यह हमें बोर्ड पर लिख रहा हूँ ठीक है एक होता है इल्म -सर्फ।, सर्फ वो इलम होता है अहबाब सर्फ वो इलम होता है जिसमें लफ्ज़ के साथ खेला जाता है लफ्ज लफ्ज को अरबी में कलिमा कहते हैं कलेमा कलिमा का मतलब लफ्ज होता है तो लफ्ज़ को बनाते कैसे हैं और उसका दुरुस्त तलफुज प्रसिएशन कैसे करते हैं ये हमें इल्म सर्फ़ सिखाता है सर्फ ये नए लफ्ज़ बनाता भी है हमें बनाना भी सिखाता है और फिर उसको सही तलफुज के साथ अदा करना भी हमें सिखाता है इल्म सर्फ़ ठीक है इसकी मदद से हम लोग कुरान के हर लफ्ज को समझेंगे इसके बाद दूसरा इलम होता है नहफ का इमफ इल्म क्या होता है ये जो है ये जुमला बनाता है जुमला और किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर क्या आएगा कैसा होगा वो हमें इम सिखाता है जुमला बनाना सिखाता है और तीसरा हमारे पास इल्म है बलागत का बलागत में मानी और बयान कि आपने कैसे खूबसूरत अंदाज से कोई बात आगे करनी है वो सिखाते हैं हमें अरबी में ये ये जो इल्म सर्फ है ना सर्फ पहला जो सर्फ का है जैसे मैं आपको कहता हूँ आलिम। आलिम आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ आलिम का मतलब यानी इलम वाला ये जो है ना ये मुझे कल ने सिखाया कि इलम से इलम रखने वाले को इलम रखने वाले को आलिम बोलेंगे यानी पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाओ तो आलिम बन जाएगा उसका करने वाला जैसे कतल का कातिल जुलम का जालिम ये मुझे सरफ ने सिखाया और मैंने आलिम लिख दिया इलम वाला फिर मैं इलम नहव की तरफ आया तो उसने मुझे कहा जुमला सीखो यार ऐसे कहो हाजा आलिम ये आलिम है ये आलिम है हाजा का मतलब है ये और आलिम का मतलब होगा भाई आलिम हाजा आलिम ये आलिम है ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए छोटी मिसालें बताएं कर कर रहा हूं बलागत में क्या सिखाते हैं आपको कहेंगे हाजा बहर ये समंदर है समंदर मेरा बेटा चांद है हमारी दुल्हन चांद है पता नहीं क्या क्या ये सारा हम बलागत में सीखते हैं तशबीहात और इस्ते आारा लेते हैं और कहते हैं शेर है हमारा लीडर शेर है तो वो होते तो नहीं है लेकिन ये हमें बलागत सिखाता है कि ये इस तरह जो है ना शायरी भी खूबसूरत होती है और बातें बार भी खूबसूरत होती है अच्छा जी इसके बाद है हाँ अच्छा जी तो यहमसरफ की मदद से हम कुरान सीखेंगे फिर है जी बुनियादी उलूम में कुरान का हसूल थोड़ी बहुत मालूम मैं आपको दूंगा इनशा आहिस्ता आहिस्ता कुरान के साथ साथ नमाज अहादीस और मसनू दुआएं भी बातरजमा आप खुद भी सीख जाएंगे इन और ये हम करेंगे इस कोर्स में इन शाह तब आप देखें कुरान जो अरबी जुबान है वो बहुत आसान जुबान है आसान जुबान है अल्लाक ने खुद वादा किया कुर मजीद में और फरमाया वक़द यल कुरान अशक हमने इस कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए नसीहत लेने के लिए ठीक है तो अल्लाह ने वादा कर दिया है ना अब ये आसान है लेकिन कोई आए तो सही पढ़ना तो शुरू करे कोई एक बंदा भी नहीं आता सीखने के लिए सलाम तो इसमें क्या करेंगे हम लोग अहबाब के कुरान मजीद को देखेंगे लफ्ज लफ्ज़ को देखेंगे कुरान मजीद में तलाश करेंगे जाके और कलमात निकाल निकाल के सीखेंगे इंशाल्लाह अरबी आसान जुबान है कैसे यार हर मुसलमान तकरीबन एक घंटा अरबी जुबान के साथ गुजारता है मसलन नमाज पढ़ता है आजान सुनता है देता है इकामत सुनता है देता है अरबी नाम हमारे हैं, काशिफ, अजमल, सारे नाम खूबसूरत हैं, बाबा तो हम लोग अरबी के साथ टाइम गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अरबी नाम तो नहीं है काशिफ अल्लाह का नाम है काशिफ खुदा के बंदे पता ही नहीं है अपने नाम भी नहीं ये ज़ालिम लोग हैं हमारे हमें पता नहीं होता हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं ये भी नहीं पता होता हमें और ये बहुत जाती है बहुत जाती है आप सब के नाम खूबसूरत हैं माशाल्लाह कहना ठीक है अलहमद कहना रहना तो अरबी जुबान के साथ हम टाइम गुजारते हैं घंटे से भी ज्यादा गुजारते हैं दूसरी बात उर्दू अरबी जुबान की पैदावार है ये जो हमारे पास उर्दू जुबान है आप ये उर्दू अरबी जुबान की पैदावार है इसलिए हम उर्दू समझने वाले कुरानी अरबी के हर दूसरे रेसो के लिहाज से हर दूसरे लफ्ज को जानते हैं पहले से फिफ्टी परसेंट कुरान आपको आता है ये जहन में रखिएगा पहले से तो इसलिए मेरा काम तो आसान है हमने अरबी अरबी से उर्दू बनाई है या फिर हमने फारसी से बनाई है फारसी ने भी अरबी से ली तो हमारी जुबान जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का काम हो गया हमारे लिए आसान हो गई तीसरी बात अरबी जुबान में जमाने जो टेंस होते हैं हमारे ये इंग्लिश में आप देखें ना हमारे पास तो इंग्लिश जुबान है हमारी सरकारी जुबान और हमारी जो है हमारे अकाउंट की जुबान तो वो इंग्लिश को देखें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यहाँ पर जो टेंस है हमारे पास वो सिर्फ दो है दो जमाने हैं माजी और दूसरे को मुजारे बोलते हैं मुजारे का मतलब मैं पहले यहाँ बता दू दोबारा बता दूं आपको कि मुजारे का मतलब होता है कम्बिनेशन है ये हाल का और मुस्तकबिल का दो जमानों को मिला के एक ही लफ्ज लिखा जाता है और उसको मुजारे बोलते हैं मुजारे तो टेंस भी दो हैं हमारे पास आपको याद करने की जरूरत ही नहीं बाकी अच्छा इसके अलावा आखिरी बात अरबी जुबान के पचास फीसदी बड़े बड़े लफ्ज जो होते हैं वो तीन हरूफ से बने होते हैं जैसे आप देख रहे हैं अलमकदूब बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन मैं आपको बस आसान आसान ताकि खत्म हो बात शुरू करूँ मैं मखदूब मखदूब को देखो तो ये गज़ब से निकला है उर्दू का लफ्ज है अच्छी बात तो ये भी है ना कि एक तो तीन हरफ होते हैं वो अरबी के हो सकते हैं उर्दू के भी हो सकते हैं लेकिन अक्सर अक्सर में से जो है वो उर्दू के होते हैं जैसे यहाँ पे है गज़ब उर्दू का उससे मकदूब बना है मकदूब कैसे बना है दो मिनट का काम भी नहीं है एक मिनट का, का काम है बल्कि चालीस सेकेंड का, का काम है आपको समझना और वो मैं आपको टाइम पे आने पर सिखाऊंगा इन शाह तो अरबी जुबान बहुत आसान है आप बिल्कुल डोंट वरी हो जाएं अपने ऊपर लिख दें भाई यहाँ पे कॉपी पे लिख दें डोंट वरी हो जाना है सर ने कहा डोंट वरी हो जाए अच्छा जी कुरान आसान है कैसे ये कुरान मजीद तो लोग खत्म करते हैं सात साल में खत्म करते हैं तर्जुमा हम तो तर्जुमा करवाते रहते हैं तफसीर करवाते रहते हैं सात साल लग जाते हैं पूरा कुरान मजीद करने का ये जो मदरसों में हम पढ़ते हैं ना और जो हम कॉलेजों में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कोई भी हमें कुरान मजीद का तर्जुानी करवाता पूरा कोई पूरा तर्जुना नहीं करवाता पूरी किताबें नहीं पढ़ा करते हम लोग हम सिर्फ जायका लेते हैं कि किताब है कैसी कैसे पढ़ना है इसको वो समझते हैं टीचर से और फिर खुद अपना मुताला करते रहते हैं कुरान मजीद का क्या है कुरान मजीद में मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं कीज़ दे दूंगा और वो कीज के जरिए आप कुरान मजीद के साथ बिल्कुल करीब हो जाएंगे इन शी कुरान के कुल अल्फाज हमारे पास जो है वो अठहत्तर हज़ार अफाज हैं सेवेंटी एट थाउजेंड हमारे पास तकरीबन ये अल्फाज हैं कुरान मजीद में इसको कलिमात बोलते हैं ठीक है ये कलिमात हैं तकरार रिपिटेशन इतनी ज़्यादा है कि एक बाबा जी जब जाते हैं मस्जिद में और वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं या कोई माई जैसे कहती है कि मैंने सारे सौरे उलूम पढ़ लिए दुनिया के मैं मेडिकल कर गई मैं इंजीनियरिंग कर गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कर ली इकोनॉमिक्स पढ़ ली अब मैं कुरान को टाइम दूंगी मैं जिंदा हूँ तो मैं दूंगी टाइम तो बत्तीस सफ़ात भी नहीं है तीस बत्तीस सफ़ात भी आपको याद नहीं करने असल में रिपीटेशन वो जो बाबा जी मस्जिद में बैठे होते हैं ना वो वो रिपीटेशन के साथ ही पढ़ते हैं वो कहते हैं मैंने शुरू करना है आउज बिल्ला से और मैंने वन्नास पे जाके खत्म करना है लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे हम लोग रिपीटेशन निकाल रहे हैं हम जदीद दौर के लोग हैं भाई रिपिटिशन निकालें ऐसे रिपीटेशन निकाल देंगे तो सत्रह हजार अल्फाज बचते हैं सिर्फ रिपीटेशन निकाल के यानी अठहत्तर हजार अल्फाज को देखो और सत्रह हजार अल्फाज को देखो कितना आसान हो गया हमारा काम लेकिन इससे भी आसान हो सकता है वो क्या कि आप बुनियादी जो बेसिक ग्रामर है अरबी की जो मैंने बताया सर्फ है और नहब है वो सीखने के बाद ये जो सत्रह हजार अलफाज है ना ये भी साढ़े चार हजार अल्फाज रह जाएंगे ये बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बेसिक ग्रामर है आपको मैं सिखाऊंगा आप कहेंगे यार सिर्फ उसको मजीद सिखा देना ये तो हम एक महीने में सीख लेंगे और बाकी छोड़ देंगे बाकी अरबी अरबी लिटरेचर पढ़ना तो बहुत बड़ा काम है बहुत लंबा हमने रूट पकड़ लिया है वो जीटी रोड से कराची जाना है और ग्रामर जी सीखना जो है ना ये मोटर वे से जाना है बल्कि जहाज से जाना है तो साढ़े चार हजार हैं आपके पास रह जाते हैं, बुनियादी ग्रामर सीखने के बाद और मैंने कहा साढ़े सात घंटे की सारी ग्रामर है साढ़े सात घंटे की लेकिन मैं उसको मैं थोड़ा तो तूल दे रहा हूँ और चालीस से पैंतालीस असबाक होंगे आपके इनशा बल्कि कर देंगे वो पढ़ाऊंगा मैं अच्छा जी अल्फाज की माए और लाहौ अकबर माए पहचानने से ना मादे पहचानने से या उनको कास्ट में तकसीम करने से यानी कि क्या जात है चौधरी को अलग कर दो चौधरी को अलग कर दो तो ये सारे जो है ना वो लाइन में खड़े हो जाएंगे फिर बहुत आसानी हो जाएगी तो ये मादे जो है रूट वर्ड जो होते हैं ये अठारह सो पचास है पुरानी मजीद के सिर्फ अठारह सो पचास तो अठारह सो पचास माए पहचानना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा मुश्किल है उसकी उसकी वजह है बेसिक ऐसी वजह है देखो अल माँ है जैसे एक हमारे पास एक रूट इलम, इलम है, इसका मतलब है जानना. अब ये इलम ठीक है ना उन सब में जानना पाया जाएगा इलम के बारे में कोई ना कोई बात होगी उस बारे में ठीक है लेकिन अब क्या होता है कि मैं अगर इसको लिखू ना अलम इसका मतलब होगा सिखाया लेकिन अगर इसी को मैं लिखूं तामा ता तो इसका मतलब होगा सीखा उसने सिखाया। ने कुरान सिखाया ताँल्लम 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 सीखा। तो ये दोनों निकले हैं इलम से लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं ठीक है, है? इसलिए हम कहते हैं कि भैया अरे मादे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए तो इसको छोड़ दो टारगेट नहीं बनाते टारगेट बनाते हैं साढ़े चार हजार अल्फाज को इस पर मेहनत करेंगे इन श ये मादा क्या है वर्ड क्या है हर अरबी लफ्ज अपनी एक जड़ रूट रखता है जिससे उसी जैसे दूसरे अल्फाज निकलते हैं मसलन एन लाम और मीम एक मादा है जिससे कई अल्फाज बनते हैं चुनानचे जिन अल्फाज में एन लाम मीम शामिल होगा उनका ताल्लुक इलम यानी जानने से होगा इलम से बनने वाले अल्फाज जैसे इलम इलम है मालूम, आलाम, अलामत, अलीम, तालीम, आलिम, और वगैरह वगैरह बहुत सारे मैंने बताया बहुत सारे इन तमाम में ये है कि इन सब का इलम यानी जानने से है अच्छा जी अब आते हैं कुरान मजीद की तरफ तो कुरान मजीद शुरू करते हैं किस से हम शुरू करते हैं आउजिल्लाजीम से लेकिन अगर आप जाए ना कुरानी मजीद में

तो जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें नाहल सुर नाहल है और ये अट्ठानवे नंबर आयत होगी ना पारा नंबर चौदह है अगरचे शैतान मरदूद आदम और बनी आदम को हर अच्छे काम से दूर करता है लेकिन हमें हर मुश्किल और ख़तरे में अल्लाह ताला का साथ हासिल है इसलिए हम आउिल शैतानजीम पढ़ा करेंगे ताकि उसके कम से कम ये ग्रह खुल जाए जो उसने यहाँ जड़े अपनी हमारे दिलों में दिमागों में लगाई हुई है ना ताकि वो दूर हो जाए हमसे दफ़ा हो जाए अउद बिल्लमिन शैतवानजीम आज के सबक के लिए ना अहबाब देखो मैं एक तो तर्जुमा ये सबको आता है अब में से, सारे मुसलमान हैं सारे उर्दू जानते हैं और ये बिल्कुल सबको आता है तर्जुमा लेकिन कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा और एक गिफ्ट भी आपको देता हूँ आपको आखिर में ठीक है हैऊद बिल्लामिन शैतवानजीम इसको क्या कहते हैं तःज इसका नाम है बाकायदा से ताउ पढ़ो ताउ पढ़ो तःज पढ़ो तउवज या फिर इसको इसते बोलते हैं इसत कहते हैं ठीक है

ये पूरा जुमला है मैं पना मांगता हूं या मांगती हूं ये अवजो का तर्जुमा है बिल्लाही बिल्लाही آ, बिल्लाही ये इसमें जलालत है यानी अल्लाह का जी नाम है आप इसको इसमें जात कहा करेंगे ठीक है इसमें इसमे जिसमे इसका तर्जुमा नहीं करेंगे हम लोग इसमें जल्लाह इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको मिन मिन का मतलब है से फ्रॉम इसका और कोई माना नहीं है शैतान शैतान जो है बहुत हलाकत वाला या रहमत से बहुत दूर शैतान रजीम का माना है मरदूद और भगाया हुआ अच्छा अब ये देखो कितने लफ्ज हैं अवजो बिल्ला एक दो तीन चार पांच पांच अल्फाज हैं इन पांच अल्फाज को इसका तर्जुमा तो हमें आता है बामा हावरा सबको आता है अलहमद मैं इसका एक एक लफ्ज लेके आपको एक एक रूल बताऊंगा या दो दो रूल बताऊँगा आपको और वो रूल्स हमारा एक एक सबक होंगे और मैंने कहा ना पैंतालीस वैसे टोटल जो असबाक है ना सर्फ और के वो हमारे पास कोई पचहत्तर से अस्सी के करीब है हमारी किताबों में लिखे गए हैं और बेशुमार हैं सैकड़ों किताबें हैं उर्दू में हमारे पास इंग्लिश में भी है बहुत सारा है और भरे हुए हमारे पास लैपटॉप लेकिन आ, सब में एक ही बात लिखी होगी तो वो बात आप सीख जाएंगे इनशाला बहुत आसान तरीके से क्योंकि मैं कुरान से ही आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा इस कोर्स में इनशाला हम एक एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको पूरा एक लफ्ज़ आपका पूरा रूल होगा उसके जरिए आप हजारों अल्फाज का तर्जुमा अरबी में खुद कर सकेंगे इन शुरान मजीद में तकरार बहुत है देखिये आउज़ों का जो लफ्ज़ है सत्रह बार आया हुआ है मैं भी आपको दिखाता हूँ ये आउज़ों का लफ्ज आज चूंकि हम आउूज़ो पढ़ रहे हैं सिर्फ मिन ये तीन हजार बार आ चुका है मिन का लफ्ज आपने अगर ये पढ़ लिया समझो यार मैंने मिन सीखा है तो एक लफ्ज सीखा है नहीं भाई कुरान मजीद के तीन हजार अलफाज आपने सीख लिये हैं अल्लाह आपको मैंने कहा ना अल्लाह अल्लाह का नाम है इसमें ज़ात है तो ये सताईस सौ बार आ चुका है तकरीबन मजीद में शैतान अठासी बार यानी एटी एट टाइम जो है वो आया हुआ कुरान में रजीम चौदह बार आया हुआ है हाँ चलो ठीक है तकरीबन तकरीबन लिखा हुआ है इसकी वजह है मैं आपको बताता भी हूँ वो भी आपको भेजता हूँ अच्छा देखिए हबाब ये होमवर्क है छ लफ इसके बने हुए हैं ठीक है ये सात है ना हाँ अउूजों के साथ मिला के ये सात बन जाते हैं तो अउन है आजा है अईजुन है ये सात अल्फाज है जो कि कुरान मजीद में सत्रह बार आए हुए हैं सत्रह बार अभी हमने कितने पता कितने कहा हमने ये देखिए यहाँ पर तादाद लिखी हुई है आउजो छह बार आया हुआ है एक बार ये सारे लफ्ज लिखे हुए हैं ये सारे इसी तरह आए हुए हैं अल्लाह के ठीक है चले अच्छा ये इस तरह अच्छा इसकी तफस भी लिखी हुई है मुजाहरे है और क्या है क्या, है, क्या नहीं है इसका माना क्या बनता है वो सारा लिखा हुआ है लेकिन आप खुद ये कर सकेंगे इनशाला जल्दी होमवर्क देखे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था पहले दिन पता नहीं आप में से कितने ने याद किया है इसको ये चार ज़मायर हैं इशारों के साथ इसको याद करना था ये चालीस मरतबा दोहराना था हम लोगों ने अना हुआ और नहनो आप में से किसको ये नहीं आता सिर्फ वो बोले बस सिर्फ वो बोले किसको नहीं आता एक दो तीन ये सबको आते हैं ये देखिए अना का मतलब है मैं और ये मैंने तरीका भी लिखा हुआ है कि कैसे करना है बल्कि मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ शेख अब्दुल रहीम साहब की जिनका असल ये कोर्स उनका था और अंता तुम हुआ वो और नहनो, हम लोग ठीक है जी ये तीन जो इशारे है ना ये तीनों इशारे एक उंगली से करते हैं शहादत की उंगली से करते हैं जैसे अना कहते वक्त आप सीने पे हाथ रखते हैं मैं चाहे लड़का हो या लड़की हो अंता अपने सामने को तुम तुम्हें मैंने कहा था तुम 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 जैसे कहते हैं उसी तरह उंगली आपने हिना के सामने वाले को कहना है अंता तुम और हुआ के लिए ना आप बिल्कुल अपने हाथ को फैला दें दाएं तरफ और कहें वो वो उस तरफ जो है वो दाएं तरफ जो है दूर हो वो एक एक ही उंगली फैलानी है तो ये तीनों एक उंगली के साथ है चूंकि ये एक एक बंदा है लेकिन नहनो कहते वक्त चार उंगलियां अपने सीने पर रखनी है और कहना है हम चाहे आप मर्द हैं या चाहे औरतें हैं या चाहे मिक्स हैं आप, आपने नहनो कहना होता है ये चार लफ्ज आपको आते हैं तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हमारे साथ ठीक है क्यों इसकी वजह है उसकी वजह यह है कि मैं जा रहा हूं यहाँ पे अल्लाह यहां जा रहा हूं मैं यहाँ जा रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये देखो अना अंता हुआ और नहनो हमने क्या किया इसको हमने अना से हमने हमजा निकाला है अना से हमने हमजा लिया है कि इसकी अलामत है अना की अलामत है इसी तरह अंता जो है अंता से हमने ताली है ता और हुआ से हमने या ली है हुआ में है नहीं या, लेकिन हमने इसकी अलामत के तौर पे या ली है और नो से हमने नून लिया है ये हमने सिंबल लिए हैं ये हमें बताएंगे कि जब हमजा आएगा किसी लफ्ज में जो खासकर फेल हो वर्ब तो हम फौरन कहेंगे यार इसमें मैं छुपा हुआ है मैं चूंकि अना आता है मैं के लिए दूसरा जब आएगा अंता जब ता आएगी तो मैं कहूँगा यह अंता है यार तो है तुम उसमें तुम छुपा हुआ है या आएगी तो हुआ है वो है और नून आएगा तो नहनो यानी हम है इसमें अगर आपको ये चार हर्फ याद नहीं रहते ये चार जो लफ्ज नहीं आते तो इसका एक मजमुआ है और उसको कहते हैं अतेन अतेन अलिफ ता या नून इसी तरह अना देखो आउज में देखो तो शुरू में हमजा है तो इसका तर्जुमा मैं करूंगा आउज़ो मैं पना मांगता हूँ मांगती हूँ चूंकि मर्द और औरत दोनों के लिए आऊजो में पना मांगती हूँ मांगता हूँ इसी तरह ता आ जाए हमजा को खत्म कर दो हमजा नहीं लिखना और चेंजिंग नहीं कर सकते इसमें थोड़ी सी भी जबर जेर भी चेंज नहीं कर सकते सिर्फ यह हरफ चेंज करेंगे जो अतन कहलाते हैं अब अलिफ की जगह ता लगा दो ताऊजो तुम पना मांगते हो या वो पना मांगता है नाऊजो हम पना मांगते हैं तो ये सारे आपके साथ आ जाएंगे ये चार लफ्ज हैं देखें इसको मैं आगे लेके चलता हूं ये देखें दोबारा देखें ये है फेले मुजारे ये पूरा टेंस है एक लफ्ज में आऊजो में हम लोगों ने पूरे दो जमाने सीखे हैं अगर आप लोग ये सीख गए तो आज अतन अलिफ ता या नून का मजमु है और ये फैले मुजारे यानी हाल और मुस्तबिल की पहचान है पहचान कुरान मजीद में अना से हमने हमजा लिया आउजो मैं पना मांगता हूँ अंता ताउजो तुम पना मांगते हो हुआ वो पना मांगता है नहनो नाउजो हम पना मांगते हैं ये ऐसे ही चेंज होता है इसी तरह देखो अना अनामो कल आपने पढ़ा था अनम में अना अनामो मुबक तो अनामो के साथ अगर अना नहीं भी आता ना तो मैं अनामों का मुझे पता था कि ये अनामों में अना छुपा हुआ है मैं सोता हूं इसी तरह होगा तनामो तुम सोते हो क्योंकि तनामो में ता ता है और अंत की पहचान थी मुझे पहले पता था कि इसमें तुम सोए हुए हो हुआ यनामो वो सोता है वो नहनु ननामो हम सोते हैं आप इसको चालीस दफा बोलना है हर एक लड़की लड़का ने सबने अना अनामो, कोई भी वर्ब ले लो आउजो ले लोअजो हुआ याहनो नो चालीस दफा का मतलब चालीस दफा है आपने औरों की तरह नहीं करना चालीस का मतलब चालीस है फोर्टी टाइम्स ठीक है अरबाइन मर्रा चालीस दफा आपने उसको दोहराना है जितनी आवाज में मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग को कानों को सुनाना है आपने और ये इन शाल आपके दो टेंस मुकम्मल आपको याद हो जाएंगे अल्लाह करे आप करें ऐसा काम ठीक है आप लोगों ने करना है इसको ये अरबी के लिए भी ये मैं आपको जो आपकी लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप लोग लिटरेचर की ग्रामर सिखाने के लिए मैं इसका सहारा ले रहा हूँ कुरान मजीद का इसी तरह है अना मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ तुम बैठते हो वो बैठता है नाहो हम बैठते हैं अना अमशी मैं चलता हूँ तमशी तुम चलते हो हुआ यमशी वो चलता है नहनु नमशी हम चलते हैं अन कल पढ़ा था हम लोगों ने मैं जागता हूं जागती हूं या जागता हूं तुम जागते हो हुआ वो जागता है नहनु नस्त आप देख रहे हैं मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा सिवाय अतेन के तो ये आप लोगों ने सब ने इसको पढ़ना है यहां से मैं जा रहा हूं वापस अपने सबक में अच्छा ये देखें ये तो हो गया अब अवज़ो की तरफ दोबारा आ जाओ आउजो का मतलब है मैं पना मांगता हूं या मांगती हूं अना अना हमजा जो है अना की अलामत है यानी मैं इसका मादा क्या है ऐन वो और जाल है जिससे बनने वाले सात अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में सत्रह बार आए हुए हैं तर्जमा है फेले हाल में करना है अच्छे को ये क्या लिखा मैं तर्जुमा फेरे हाल में करना है जब भी आपको अतेन नजर आए अहबाब अतेन नजर आए शुरू में वर्ब के आपने तर्जुमा करना है फेहाल में मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कुछ भी हो आपने ये कहना है लो भाई आपने एक लफ्ज सीखा लेकिन उस एक लफ्ज़ की वजह से आपने पूरा पूरे दो टेंस सीखे हैं तो अल्लाह करे ये आपको पक्के याद हो जाए अभी तो याद होंगे लेकिन हो सकता है कल ना हो इसलिए जिसको नहीं आता जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ अभी वो बैठ के सोएगा नहीं और इसको पढ़ेगा लाज भी और उसके बाद सोएगा ये याद करके सोएगा हबाब चूंकि कुरान मजीद आज शुरू किया हम लोगों ने तो ये मैंने एक थोड़ा सा रखा हुआ है बच्चों के लिए जो पहली दफ़ा आते हैं उनके लिए रखा हुआ है कि एक थोड़ा सा उनको सुकून मिले और उनको लगे कि कुरान मजीद से हमने क्या सीखा है अभी आपने देखा ना कि हमने हजारों लफ्ज सीख लिए हैं इस आधे घंटे में और आपको मैंने बताया भी सिखाया भी कि, कि कितने कितने लफ्ज कितने कितने बार आए हुए हैं तो सैकड़ों हजारों लफ्ज हमने सीख लिए हैं कुरान मजीद के इसी तरह स्पीड से यह काम जाएगा लेकिन एक ये भी सीख लें ये देखें उर्दू के अल्फाज लिखे हैं कतल लिखा है जुलम लिखा है मना लिखा है सबर लिखा है, शुक्र सजदा जिक्र अमल जमा अमर नफ, फेल खलक और दखल अच्छा अब देखो करना क्या है आप लोगों ने करना यह है मैंने सफेद में लिखा है देखो जरा इन सब अफ़ल हैं ये सारे वर्ब हैं इन सब अफआल के हर हर्फ पर जबर लगाए और माना क्या हो जाएगा उसने किया पास टेंस में अभी मैंने आपको एक लफ सिखाया है प्रजेंट टेंस का और आपको समझ गए थे कि अतेन है वो अतेन लगाने के शुरू में तो तब आएगा इन सारे लफ्जों के शुरू में कोई अतेन नहीं है ना किसी का भी अतैन नहीं है तो आपने क्या करना है इन सब पे जबर लगाना है कतला जुलम किया ये पास टेंस की बात हो रही है उसने किया माजी में मना उसने मना किया सबरा उसने सबर किया शकारा उसने शुक्र किया सजदा उसने सजदा किया जकारा, उसने ज़िक्र किया याद किया आम उसने अमल किया जमा आ, उसने जमा किया अम उसने अमर किया फला उसने फेल किया खा उसने पैदा किया गाबा उसने गलबा हासिल किया दा वो दाखिल हुआ खा वो खारिज हुआ गसला उसने धोया ये गसल का मतलब होता है धोना उसने धोया न उसने मदद की द्वारा बा उसने मारा करा आ उसने पढ़ा कतबा उसने लिखा, लिखाबा कहा चला गया फतेहा फतेहा उसने खोला जहाबा वो गया नज़ारा, उसने नजर किया अखजा उसने लिया वदा उसने रखा वकफा वो खड़ा हुआ सा आला उसने सवाल किया जहा वो ज़ाहिर हुआ खा उसने खुतबा दिया आरफा उसने पहचाना अला उसने खाया बाला वो पहुंचा नाजाला वो उतरा कसमा उसने कसम खाई नाजारा उसने नजर किया साकाता उस वो खामोश रहा सा वो गिरा ना तो वो बोला बदला उसने बदल दिया कजाबा उसने झूठ बोला सदाका उसने सच बोला फरहा ये फरहा नहीं है बच्चे ये फरहा है रा के नीचे है है लेकिन वही उस वो खुश हुआ का उसने इंकार किया। ओ रहा। उसने सकुनत की। तो ये मैंने सब आपको बता दिए किसी को नहीं बताए थे आपको मैंने सारे के सारे तर्जुमे के साथ बता दिए हैं ठीक है जी अल्लाह करे कि आपको जो है ये फायदा हो आज के सबक से और कोई सवाल है अहब आपका इस बारे में कोई सवाल वालेकुम Uh, सर ये आपने मुझे बुक सेंड कर दी है ये जो आपने आज की किताबें और स्लाइड्स में सबको भेजूंगा इंशाल्लाह ठीक है डोंट वरी हो जाए वो ग्रुप में करेंगे सबक के हवाले से किसी का कोई सवाल है अब आप शाबाश जी जी प्लीज प्लीज बताएं अब जैसे आखाजा है सही है ऐसे वैसे तो आप ये तो गुरु असली है लेकिन अगर जिसको नहीं पता तो दिमाग में तो ये बात आ सकती है कि हमजा जो में से आ रही है हाँ शाबाश लेकिन नहीं आएगा ना देखा ना किसी का नहीं आया सिवाय उनके जो पड़े छोड़ चुके हैं यही मसला है आज इलम अकबर है ये एक प्रॉब्लम होती है ना ये मुसीबत होती है लेकिन आप परेशान ना हो ऐसा नहीं आएगा इन तसाते बताते रहेंगे इनशाला डोंट वरी हो जाए बिल्कुल ठीक है आ सकता है सवाल आ सकता है अच्छा सवाल कोई है सीखने के लिए कोई सवाल है किसी का नहीं है ना ये सबक आसान था और ये मुफीद था सबक के नहीं तरह मुझे बताएं कि मुस्फिरा बताओ सबक आसान था मुफीद है सबक बहुत इजी और अच्छा सबक है आपका नाम मुस्फिरा है।, है मुनीबा है आपका नाम ओहो ये लड़की है क्या लड़की है मुस्फिरा बताओ मुस्फिरा सो गई है बेचारी खुतबा सो जी जी हाँ मुस्फिरा बताओ बच्चे कैसा मैंने आपसे बता दिया था फायदा रहा सबक अच्छा समझ में आया वेरी नाइस वेरी नाइस हेबा भी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह लेट आई है लेकिन आ गई है ये अंबर भी आ गई है हमारी पुरानी साथी आ गई चलो अच्छा हो गया माशाल्लाह से तो ये मुफीद है आप लोगों के लिए जी 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 जो मैं कुछ रखेंगे और ये अभी देखे जो, देखे जो देखे। काशिफ है तानिया है आप लोगों को दोबारा सुनना पड़ गया सारा लेक्चर लेकिन इनशाला इस दरम्या मैं स्लाइड में लेकर आऊंगा इनशाला और सारा आपको फायदा देगा इन सब आपको फायदा देगा इन शाला और मैं जो वीडियो भी अपलोड करने लगा हूँ जो हमारी क्लास होती है तर्जमे की अपलोड करने लगा हूँ वो भी आप सुनिएगा प्लीज उसमें आपको तर्जुमा मिलेगा मैंने बहुत सारे तर्जुमा किया लड़कियों ने खुद किया है तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा तो फायदा होगा इनशाला जी चलो अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया ये 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 खुलासा है हम अरबी क्यों सीख रहे हैं इस कुरान के लिए सीख रहे हैं तो ये सबको चले जी बहुत शुक्रिया सलामत रहे कल मिलें कल नहीं बल्कि हम मिलेंगे सोमवार को इनशा अल्लाह सब सलामत रहें सब दुआ किया करें हमारे लिए भी, सब के लिए दुआ किया वरहमत